बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से, जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज से नया पता हो जाएगा। जी हां, ठिकाना बदलने वाला है उनका। दिल्ली में सिविल लाइन से अरविंद केजरीवाल फिरोज शाह रोड के बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं और ये बंगला आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के नाम पर है। सामान समेटा जा रहा है, गाड़ियों में लोड किया जा रहा है। आज नए बंगले में पूजा पाठ की तैयारी है और अब नया पता होगा, 5 फिरोज शाह रोड नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ऐलान किया था कि प्रतिपक्ष का मौका चल रहा है, इसके बाद से नवरात्रि जब शुरू होगी तब हम अपना पता ठिकाना बदल लेंगे। और अब नया पता उन्होंने चुना है, आम आदमी पार्टी के सांसद के आवास पर वो रुकेंगे। और केजरीवाल के नए बंगले में पूजा पाठ की तैयारी भी हो रही है, अंदर की तस्वीरें आ रही है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। गाड़ी में सामान लोड हो रहा है और पूरी तैयारी चल रही है। थोड़ी देर के बाद से ये पता उनका बदल जाएगा। ये 3 तस्वीरें। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब कुछ दिन पहले अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो मुझे कुछ समय बाद पता लगा कि उनके पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। फिर मैंने उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे पास, मेरे दिल्ली के घर में मेरे मेहमान के तौर पे आके रहिएगा, मुझे खुशी होगी। पार्टी के और कार्यकर्ताओं ने भी, और नेताओं ने भी उनको शायद ऐसा ही निमंत्रण दिया, लेकिन अब मुझे पता लगा और खुशी हुई मुझे ये पता लगने पर कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे घर का चुनाव किया है। 10 साल तक लूटा दिल्ली को, बड़े बड़े महल बनाए सर, जिसको शीश महल कहते हैं, 100 करोड़ के बंगले में रहते थे, हर तरह की सुरक्षा ले रखी थी, हर तरह की सुख सुविधा इस्तेमाल कर रहे थे, और करोड़ों रुपया शराब घोटाले में बनाया, स्कूल घोटालों में बनाया, बस घोटालों में बनाया, जल बोर्ड के घोटालों में बनाया, और अब चुनाव आ गया तो फिर वही से नौटंकी करनी शुरू कर दी। अब मेरे पास तो घर नहीं है जी, देखिए मैं तो सरकारी बंगले में किसी MP के घर में रह रहा हूँ, पर केजरीवाल जी सरकारी बंगलों का मोह नहीं गया, सब कुछ चले गया, सरकारी बंगलों का मोह नहीं गया, चुनाव आ गया तो आपने फिर से मुखौटा पहन लिया, लेकिन दिल्ली के लोग अब समझदार हो चुके हैं। कुमार कुणाल, और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार, भारतीय जनता पार्टी को आपने सुना किस तरह से हमलावर है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नौटंकी है चुनाव पूर्व, और वहीं साथी मालीवाल ने भी हमला बोल दिया है, कह रही हैं कि एक बंगले से दूसरे बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं, नया क्या है, किस तरह की भी तस्वीरें हैं और क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट देते चले कि अब से लगभग 15-20 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल अपने इस नए घर में, जो उसको 5 फिरोज शाह रोड जिसका पता है, उसमें पहुंचे हैं और अंदर पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं, और इस समय पूजा पाठ चल रहा है घर के अंदर, तो पता तो बदल चुका है। लेकिन पता बदलने के साथ बात पते की ये भी है कि इस पर सियासत भी खूब होगी, और सियासत इसलिए भी होगी क्योंकि चुनावी समय है, और घर उन्होंने बेशक बदला हो, लेकिन जो ज्यादा पौश इलाका माना जाता है, नई दिल्ली का इलाका जहां से वो विधायक भी हैं, वहां पर उन्होंने अपना नया घर रखा है। महज 50 से 100 मीटर यहां से दूरी होगी जो पार्टी दफ्तर है यहां से, यानी वो कभी भी वॉक करके, पैदल टहल करके अपने पार्टी दफ्तर जा सकते हैं। तो ये तो निशाना चलता रहेगा, लेकिन इस बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए, हमने 17 सितंबर को इस्तीफा दिया, आज 4 अक्टूबर है, लगभग 15 दिन का वक्त मिलता है, और उस सीमा के अंदर मैंने घर खाली कर दिया, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है। तो अब ये कौन सा मैसेज लोगों के बीच में जाता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी बात पहुंचा पाते हैं या फिर बीजेपी अपनी बात पहुंचा पाती है, उस पर बहुत कुछ भी डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में ये नैरेटिव कैसे बनता है। ठीक है कुमार, नजर रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।